Hey guys, good morning and worthy welcome to another episode of GoMad. आज जो है हम चलाने वाले हैं द ऑल न्यू जावा पेराक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. हाँ, मैंने दो एक बार छोटा राउंड लगाया है, लेकिन आज जो है हम प्रॉपर राइड करेंगे एंड आई विल टेल यू अबाउट माय फर्स्ट राइड इम्प्रेशन ऑन दिस बाइक. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके लुक्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, राइड क्वालिटी और आपको इस बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. By the way, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हम ऐसे ही एडवेंचरस ट्रेवल वीडियोस एंड ऑटो रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द राइड, लेट अस टॉक अबाउट द लुक ऑफ दिस बाइक. एंड दिस बाइक लुक्स एब्सोल्यूट ब्यूटी. आई बिलीव लॉट ऑफ पीपल कैन बाय दिस बाइक जस्ट बिकॉज द वे इट लुक्स. It looks stunning. It has a floating mono seat, which is first in this segment and in this price range. And अगर आप इस बाइक को पीछे से देखेंगे तो आपको काफ़ी छोटी लगेगी ये बाइक, और आप सामने से भी देखेंगे तो इतनी बड़ी नहीं लगती है, काफ़ी छोटी लगती है when it's compared to आरी और एनी दूसरे बाइक, क्लासिक बाइक्स जो है. लेकिन द मेन डिफरेंस इज़ व्हेन यू लुक इट फ्रॉम द साइड, इट काफ़ी बड़ी लगती है. इसका जो व्हील बेस है वो काफ़ी बड़ा ज़्यादा है, एंड मेरे ख्याल से 5 mm ज़्यादा है इसका व्हील बेस फ्रॉम द एवेंजर, जो कि काफ़ी लंबी बाइक है, इसीलिए मैं उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ. By the way, this bike comes with a 334cc single cylinder liquid cooled engine which produces 30 bhp of power and 31 newton meter of torque, jo ki kafi acha hai in terms of power. Aur baki brakes ki baat kare to this comes with a dual channel ABS, samne aapko mil jayega telescopic fork and piche jo hai monoshock, and aur ek cheez jo hai isme 5 step adjustable bhi milta hai. सो वो काफ़ी अच्छा चीज़ है, बिकॉज द सीट हाइट इज़ वेरी लो, इट्स अराउंड 750 mm आई गेस. यस, इट्स 750 mm, जो कि काफ़ी लो है. और एक्चुअली इस बाइक को कंट्रोल करने में ये बहुत ही हेल्प करती है सीट हाइट. एंड सीट जो है काफ़ी कुशनी है, बहुत ही अच्छा है, और लेदर फिनिश भी बहुत ही सही लगता है. लाइट जो है पीछे का टेल लाइट यहाँ पे सीट पे ही माउंट कर दिया गया है, जो कि काफ़ी यूनिक लगता है. बाय द वे, बाकी जितने भी लाइट्स है वो सारे हेलोजन है, एलईडी लाइट्स नहीं दिया गया, इवन द इंडिकेटर्स आर हेलोजन. एंड बाकी यहाँ पे आपको 280 mm की डिस्क मिलती है सामने, एंड पीछे मिलता है 240 mm की डिस्क. एंड सामने का टायर जो है दैट इज़ 100x90x18, एंड पीछे का जो है इज़ 140x70x17. सो बाकी जो इसका फिनिशिंग है, पेंट जॉब है, बहुत ही अच्छा लगता है. एंड दिस कम्स इन दिस सिंगल कलर, एंड बाकी कुछ नहीं है. यहाँ पे आपको इंजन किल ऑन एंड ऑफ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर एंड ओनली ऑडोमीटर मिलेगा, यहाँ पे फ्यूल गेज मिलेगा, बाकी जो नॉर्मल बाइक्स में रहती है वैसा ही है. बाकी इसमें डबल स्टैंड नहीं है, एंड द मेन थिंग इज़ इट कम्स विथ ए डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम, एंड काफ़ी स्मूथ साउंड करती है बाइक. एंड जावा ऑलवेज कम्स विथ एन रिफाइंड इंजन, बहुत ही रिफाइंड लगती है. सुनाई देता हूँ इसका साउंड. आप शायद सुन पा रहे होंगे, बट दिस साउंड्स वेरी स्मूथ. और इस बाइक की लुक्स को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती है ये साउंड. सो लेट्स राइड दिस बाइक एंड टेल यू अबाउट द राइड क्वालिटी एंड एवरीथिंग. सो लेट्स डू इट. हियर यू गो. All
Alright, so right now I am riding at the National Highway 27 and जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, इसका इंजन बहुत ही स्मूथ एंड रिफाइंड लगती है. When you push the throttle and throttle response भी बहुत ही अच्छा है. आप देख सकते हैं I am riding at 80 and बहुत ही स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है. Yes, once you ride this bike above 110 then आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होगी ऑन द फुट बैक एंड ऑन द स्टेयरिंग एंड ऑन द हैंडल बार सॉरी एंड वो भी बहुत ही मिनिमल है, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होती. एंड वंस यू गो अबव 120 देन आपको थोड़ा वाइब्रेशन फील होगा. बट आई रिकमेंड टू राइड दिस बाइक ऑन एन स्पीड ऑफ लाइक 90 to 100 विच इज़ एन आइडल स्पीड फॉर दिस जवाब पैराक. एंड आई डोंट थिंक ये बाइक इतनी हाई स्पीड चलाने वाली बाइक है. इट्स एन डिफरेंट बाइक, इट्स अ बोवा बाइक जो कि आपको काफ़ी ईज के साथ चलाना है, तभी इसका अच्छा फील आएगा. बाय द वे इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ है, बट थैंक्स टू द सीट जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है और आपको कहीं भी सस्पेंशन का लैकिंग आपको फील नहीं होता. 100 120 awesome. No complaints about the power in this bike, no complaints. So we are at the Gortchuk and we are going towards Dipperville. Alright, so we are here at the Dipperville Wildlife Sanctuary, जो कि गुवाहाटी का एक प्राइम लोकेशन है. If you want to spend some leisure time here, and this is actually a bird sanctuary, and this side is a wildlife sanctuary, and बीच में जो है रेलवे लाइन है, and this is completely a water body, and it's the largest water body within Kamrup district. It's called Dipperville Wildlife Sanctuary. So well, let's back to the topic, and the reason we are here is to tell you about this bike. Well, so मैंने काफ़ी कुछ नोटिस किया when riding this bike on high speed as well as in low speed. High speed पर जो है आपने मैंने जैसे ही आपको बोला है it's absolutely fine when you are at speed of around 100-110. उसके ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको vibration feel होगा on the foot peg and the handlebar. बाकी आपको इसको 120-30 तक चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी जो व्हाट आई नोटिस इज़ दैट इसका जो रेडिएटर फैन है वो काफ़ी गर्म होता है. मे बी बिकॉज दिस इज़ बाइक इज़ वेरी न्यू एंड आई डोंट थिंक ये आगे चल के कोई इशू होगी. बट इस रेंज का जो जितना भी इस पावर रेंज का जितना भी बाइक्स है उसमें ये प्रॉब्लम है, सो दिस इज़ वेरी यूजुअल. सीट जो है काफ़ी कुशनी है, वाह काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कोई भी स्पीड पे आप जाए. बट इसका जो सस्पेंशन है थोड़ा स्टिफ है एंड आपको थोड़ा फील होगा व्हेन यू आर इन डूइंग ऑफ रोड एंड ऑल. मैंने इस पे थोड़ा कॉर्नरिंग्स भी ट्राई किया है इस रूट पे, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देता है आपको, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको. और पावर के मामले में आपको कोई कंप्लेंस नहीं होगी. दिस बाइक गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर, 30 PS ऑफ पावर है, जो कि आप अगर आरई से रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करें, आप डायरेक्टली इसको रॉयल एनफील्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये एक डिफरेंट सेगमेंट का बाइक है. इट्स अ बोबर बाइक, बट इसका जो DNA है, आई मीन द एग्जिस्टेंस जो है जावा का, इट्स तो इंजन है वो कम्पीट करती है आरई के साथ. तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है,
350 cc के साथ अगर कंपेयर किया जाए जो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और आपको आई डोंट थिंक ये हिल्स में कोई भी दिक्कत देगी. एंड जो कि मैं रिसेंटली जाने वाला हूँ करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में विद दिस जावा बाइक, सो दैट टाइम आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ दिस बाइक रन्स एट द हिल्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है. और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, व्हेन यू आर राइडिंग, लेट मी सिट एंड शो यू, व्हेन यू आर राइडिंग दिस बाइक, आपको जो ये स्पीडोमीटर का जो डायल्स है, यहाँ पे जो 40 दिख रहा है आपको एंड यहाँ पे 120 दिख रहा है, इसके नीचे जो है आपको 60, 80 एंड 100 वो आपको दिखता नहीं है. वो एक दिक्कत है, इट्स नॉट अ दिक्कत, बट आपको कभी ये फील होगा कि ये इसको थोड़ा परफेक्ट हो सकता था. एंड अनदर थिंग, ये जब ये डायल जब आपको 80 के स्पीड पे चलता है, डायल जब यहाँ होता है, जो इसका जो डायल का जो टेल है वो ऑडोमीटर के ऊपर आ जाता है, तो आपको ये ऑडोमीटर रीड करने में भी दिक्कत होता है, तो देट इज़ अनदर प्रॉब्लम. और यहाँ से जो आपको इंडिकेटर लाइट्स, काफ़ी इंजन लाइट्स, वो जितने भी है वो दिन में इतना दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वो कभी गलती से ऑन रह जाता है. बाकी इसका मिरर जो है एवरीथिंग इज़ गुड, मेरे को कोई और इश्यूज़ नहीं आए, जितना भी है आई एम हैप्पी विद दिस बाइक. एंड आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, दिस इज़ नॉट ए यूजुअल बाइक. अगर आपको स्पीड पे चलानी है ये बाइक एंड यू आर ए यंग गाई, देन दिस बाइक इज़ नॉट फॉर यू. दिस बाइक इज़ फॉर चिलिंग आउट, यू गो विथ स्लो स्पीड, दो इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन ये दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इसका जो एक्चुअल फील है वो स्लो स्पीड पे है. और आप डेफिनेटली ये बाइक को कंसीडर कर सकते हैं लेने के लिए अगर आप ये सॉर्ट ऑफ राइडर है. तो दिस इज़ ऑल, और बाकी जो है कोई कंप्लेंट्स अगर निकलती है तो मैं आपको फ्यूचर में बताता रहूँगा. एंड मेरा जो प्लान है कि आई विल फर्स्ट राइड एट अराउंड 100 किलोमीटर ऑफ रेंज, मैं उस रेंज में एक छोटा सा ट्रिप मारूँगा इसमें, and then I'll let you know how it is for a small trip, and then I'll go for a long trip which is around 350 to 400 kilometers. I have already told you I'm going to Karimganj, to wahi rahega apna final trip, jiske baad main aapko complete iska review de paunga ki kaisi hai ye bike exactly. So till now I'm So till now I'm very happy with this bike and the performance and the power of this bike, and आप definitely ये bike ले सकते हैं. इसका price है 1,97,000 एक showroom, और on road Guwahati is 2,15,000. एंड मैं शोरूम का डिटेल्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर बाइक के बारे में कोई भी कुछ भी चीज़ आपको जानना है तो आप पूछ सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम दीपोविल. एंड अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है देन यू कैन कमेंट मी बिलो एंड आई विल आंसर दैट राइट अवे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इफ़ यू नॉट प्लीज़ डू इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.